एक्चुअली बदकिस्मती की बात यह है कि हम फिल्म मेकर्स, क्रिएटिव आर्टिस्ट एक शीशे के घर में रहते हैं और हमेशा ये डर लगा रहता है हमें कि उम्मीद करता हूँ आप जवाब देंगे। फिल्म इंडस्ट्री पर हमेशा से टारगेट किया जाता है कि इजीली टारगेट होता है। आज बॉलीवुड के एज डायरेक्टर संजय लीला भंसाली सर पर एक अटैक हुआ, प्रोटेस्टर्स ने ऊपर अटैक किया, मूवी सेट्स पर इक्विपमेंट्स तोड़े, कुछ आप रिएक्ट करना चाहेंगे इस पर? इन जयपुर पद्मावती, जयपुर में पद्मावती का सेट लगा था, वहाँ पर अटैक हो गया सर। इट हैज टू बी पॉलिटिकल। मुझे तो पता भी नहीं इसके बारे में, यदि मैं यहाँ हूँ ये आप लोग बता रहे हैं तो मुझे पता चला। सर जो लोग पसंद नहीं कर रहे थे कि पद्मावती पे फिल्म बनी, वो लोग जो जयपुर में सेट लगा था वहाँ पर लोगों ने अटैक किया। एक्चुअली बदकिस्मती की बात ये है कि हम फिल्म मेकर्स, क्रिएटिव आर्टिस्ट एक शीशे के घर में रहते हैं और हमेशा ये डर लगा रहता है हमें कि कोई आके पत्थर मार जाएगा हमें, कोई प्रोटेक्शन नहीं है हमारे लिए। और मुझे मैं नहीं जानता कौन है ये लोग, लेकिन जब एक बड़ा सा झुंड आता है ना तो आप किसी को पकड़ भी नहीं सकते, कोई एक गुनहगार भी नहीं होता, आप 7-8 लोगों को पकड़ेंगे फिर छोड़ देंगे। I don't know what is the solution to this. लेकिन आपको नहीं लगता सॉल्यूशन ये है कि अब सभी को एक साथ आना चाहिए, इस चीज के खिलाफ खड़े होना चाहिए पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी? पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी आपको क्या लगता है कि आज संजय लीला भंसाली के साथ नहीं है पूरी फ्रेटर्निटी? आप मुझे तो आपसे पता चल रहा है कि ये हुआ है और ऑलरेडी मेरा खून खोल रहा है, हम सब उनके साथ देंगे, क्या करेंगे एकजुट होकर, क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे? हेल्पलेस।